हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ब्रांड न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे व्यूज़ देने, वीडियो का एंड तक देखना और साइड पे घंटी का निशान लगा हुआ है उसको बजाना बिल्कुल नहीं भूलना। और सुनाए जी, क्या हाल चाल है, तबीयत से कैसी है? मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली हुई थी इसलिए कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया। आज हम लोग आए हुए हैं जी भट्टे पे, क्या करने आए हुए हैं ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग आए हुए हैं जी ईंटे बनाने और आप लोगों को सारा इसका प्रोसेस दिखाने के क्या है क्या नहीं। तो मैं पहले टाइटल करके हटी हूँ, तो मेरा हाँ हुलिया भी चेक कर लो, बाकी जो सारा आपको बताएंगे कि मिट्टी कहाँ से आती है, ठीक है। और ये जो है ये मिट्टी वगैरह मुझे लगता है ये गिली वगैरह जो भिगो के रखी हुई है उधर मिट्टी, ये वो यूज़ करते हैं, ये दरिया से मिट्टी आती है, बाकी इधर बना के रखी पड़ी है उधर भी बन रही है। और वो भाई बताएंगे मुझे कैसे बनती है और मैं खुद बना के दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे बनानी है। अच्छा जी, मोइज़ भाई सीख रहे हैं बनाना कि कैसे बनाते हैं और भाई बता रहे हैं हमें कि कैसे बनानी है। अच्छा मोइज़ भाई पहले ट्राई करेंगे कि कैसे बन शौक नु पै गई यार तू पड़ नुकरा बार जो तन छे के एतो हां और एता नहीं पाए रे ना सुचा तां कर दा हां एनु की कहंदे हो एनु की कहंदे हो एना सच्चा कहंदे इनु सुचा कहंदे आ जेदे नाल इटा बन नहीं आ रे हां जी ले आओ मैं फिर पत्र आएगा और एक मिनट में साफ साथ साथ जो है ना इसकी सफाई भी कर रहे हैं ताकि नहीं नहीं आओ पूरी पानी दे पावे सफाई ना कर सिर्फ तजुर्बा होना है हां एंड एंड एक टाइम निकाल के एंड चेक दस्ते पे मेहरबानी ठीक से पास आ दो शाम में ये ना थल्ले आन दे ठीक फिर थल्ले आई थे ऐसे जुड़ी है ना हां जी
ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਰੇਤਾ ਲਵਿੰਦਾ ਪੀ ਜੋ ਰਸਾਲੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਥੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਰਾਣੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੀਟਾ ਕਾਟਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾ ਦਿਆ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੇ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਂ ਬਣ ਗਏ ਭਾਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਖ ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਦੀ ਪਾਉਗੇ ਐਂ ਜਨ ਐਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਦੈਨ ਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਬਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਚਲ ਬੇੜੀ ਬਣਾਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲੈ ਉਹ ਭਾਈ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿ ਬੜਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਾ ਟਿੱਡਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਔਰ ਆਪਕੋ ਬਾਕੀ ਦਿਖਾਤੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਭੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵੀ ਇੰਟੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਜਦ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੱਕਤੀ ਹੈ ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋਤੇ ਜਾਂ ਕੈਸੇ ਪੱਕਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਨਾਖੂਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਚਿੱਟੇ ਸਫੈਦ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਘਰੋਂ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਮਰਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਵਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੰਜਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੈਮਰੇ ਕੈਮਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫਤਿਹ ਬੇਟਾ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਫਰਕੀ ਜੇ ਦੋ ਹਾਏ ਗੰਜਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਗੰਜਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਗੰਜੇ ਗੰਜੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਆਪਕੋ अच्छा हम लोग ने हाथ धो लिए अब हम लोग चलते हैं वो उसके पास वो देखते हैं वो कैसे मतलब कि भट्टी वगैरह गर्म कर रहे हैं क्या क्या चीज़ें उसमें डालते हैं कि इतना धुआं निकला नया काला शाह ठीक है बाकी देखते हैं आगे जाके ऊपर चढ़ते हैं तुम लोग नीचे खड़े रहो हम लोग अच्छा जी हम लोग ऊपर आ गए इतना सारा पैड़ा करके बाकी आ सारा एरिया है ना भट्ठे वाले का असं अगे ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि आज जिते जिते मिट्टी के ढेरियां लगी हुई ना छोटिया छोटिया सारिया भट्ठिया ने ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀਟ ਨਿਕਲਣ ਦਈ ਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀਟ ਨਿਕਲਣ ਦਈ ਆ ਨੀਚੇ ਪਾਉਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਮੈਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗਾਇਸ ਪੈਰੋਂ ਕੋਈ ਹੀਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੁਰਾਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਗੰਦ ਪੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਚਰੇ ਕਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪੇਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਚੌਪ ਕੀ ਆ ਹੋਵੇ ਕਚਰੇ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ ਪੂੜੀ ਹਾਂ ਇਸਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਉਹਨੇ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ
ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਚਰੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਆਹ ਕਚਰਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਆ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨੀਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇੰਟ ਪੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਢੇਰੀਆਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਇੰਟ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੱਚੀ ਇੰਟ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਕੱਚੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇਸਕੋ ਆਗੇ ਕੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਾਂ ਟੁਰੀ ਜਸੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾਈ ਆ ਉਹ ਕੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ अच्छा 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 यानी दो रास्ते बनाए हैं जो इधर की ईंटें हैं वो उधर से बाहर निकलती हैं और जो इधर की हैं वो इधर से कोई रास्ता बनाया वो उधर से निकलती है अब नीचे चलते हैं दिखाते हैं कि कैसे वो ईंटें बाहर निकाल रहे हैं और यहाँ भी ऐसा लगता है जैसे जहन्नुम नहीं है मेरा एकदम से या तो ऐसे हुआ मुँह पे कि जैसे मेरे मुँह पड़ गया आ गया अब नीचे चलते हैं तो फिर दिखाते हैं बाकी अच्छा जी इनके इर्द गिर्द की है ये इन लोगों ने ये सारी मिट्टी की दीवार की हुई है ठीक है कि अंदर चिनी हुई है ये देख सकते हैं जैसे इन लोगों ने ना वैसे ये चिनी हुई है अभी ये उसके ऊपर मिट्टी है जैसे ये देखिए सारी निकाल रहे हैं भाई और ले जाके उधर रख रहे हैं ठीक है इनके दरमियान में आग जल रही थी यानी देखे ना नीचे नीचे ये इनके दरमियान में आग जल रही थी और एक दिन में ये तैयार हो जाती है ठीक है और बाकी ये भाई देख सकते हैं आप लोग के लेके जा रहे हैं ये ट्रालियां भर रहे हैं जो यहाँ पे मतलब के लेने आते हैं भट्टे से ही ठीक है तो बाकी ये एक और अंकल बैठे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं ये जो कचरा है उसको एक साइड पे कर रहे हैं लोया वगैरह ये इसके अंदर से लोया वगैरह कितना अंदर लोया नहीं निकलन दिया लोया ही है कचरे के अंदर आंदा है ना अच्छा ये जो कचरे के अंदर लोया लोहा वगैरह है ना वो भाई निकाल दे देख लो वो उसके ऊपर चिपक रहा है मोइस मैग्नेट है मैग्नेट लगा ना उसको मैग्नेट लगाया हुआ इन लोगों ने और उसके साथ वो निकाल रहे हैं बाकी वो कच्ची ईंट वो पड़ी हुई है वो चिन रहे हैं वैसे इस तरह चिनते हैं इसको फिर इसके दरमियान आग जलती है ऊपर से आग जलती है इसको इस तरह चिनते हैं ये देखे ये बना बना के ना चिन रहे हैं जब सूख जाती है चिन के फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं मिट्टी डाल के फिर इसके जो अंदर है ना वो चलती है आग यानी ये दरमियान में खला दिया हुआ है ना इससे ये पकती है ईंट फिर उसके बाद यहीं से ये तोड़ तोड़ के इसका निकाल लेते हैं ठीक है ये क्या होता है हवा आती है गुजरने का रास्ता है अच्छा ये इन लोगों ने खुड्डा बना के बंद किया हुआ है ये ना आग गुजरने का रास्ता है हीट गुजरती है इसके अंदर से ये देखिए ना कैसे मतलब कि पक्का काम किया हुआ है इधर ना ठीक है मट्टी मट्टी हुई खड़ी है मैं बड़ा सोचती होती थी पता नहीं किद्दा ईंटा बन दिया पता नहीं किद्दा ईंटा बन दिया लेकिन अब पता चल गया यार ये तो बड़े मतलब के प्रोसेस जो है इसका इजी लगता है लेकिन ये जो काम करते हैं वो तो फिर उनको तो इजी लगता है लेकिन हमने पहली दफ़ा किया है तो वो इस तरह लगता है बाकी जी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में दुआ में याद रखना चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छे अच्छे व्यूज़ देना वीडियो के एंड तक देखना इंशाल्लाह ऐसे व्लॉग लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए और इसी तरह सपोर्ट करते रहे इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट करते रहे व्यूज़ देते रहे बाकी जी अल्लाह हाफिज़ लव यू ऑल ख्याल रखना अपने अपने घर वालों का लव यू ऑल